महाकाल मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का कवरेज करने के लिए पत्रकार को वहां रोजाना की तरह वसूली करने वाले किन्नरों ने बुरी तरह पीटा। किसी तरह बचकर पत्रकार थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। बता दें, महाकाल मंदिर में चल रहे विस्तार के कार्यों का कवरेज करने गए एक चैनल के पत्रकार शकील खान से पहले तो किन्नरों ने पैसों की मांग की। पैसे नहीं देने पर किन्नरों ने गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। किन्नरों द्वारा मारपीट का यह पहला मामला नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं मंदिर के बाहर होती रहती है। बता दें, बाहर से आने वाले यात्री कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए अपने साथ हुई मारपीट की घटना की रिपोर्ट नहीं लिख पाते, जिससे इन किन्नरों के हौसले बुलंद होते हैं। कुछ लोगों द्वारा रिपोर्ट लिखवाई भी गई, मगर ठोस कार्यवाही न होने के कारण हालात जस के तस बने हुए हैं। किन्नर लाइन में लगने वाले लगभग हर श्रद्धालु से पैसे मांगते हैं, यदि किसी ने मना किया तो अपशब्द बोलने लगते हैं। किन्नरों की इन हरकतों से धार्मिक स्थल की छवि भी धूमिल हो रही है। महाकाल थाना प्रभारी मुनींद्र गौतम ने बताया कि फरियादी शकील की शिकायत पर किन्नरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। ज्ञापन देने में वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र कुर्मी, उदय सिंह चंदेल, निरुक्त भार्गव, पुष्पकरण, संजय शुक्ला दुबे, सचिन सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर, जितेंद्र राठौर, जगदीश परमार, अपूर्व देवड़ा, मोरेश्वर राव, धर्मेंद्र सिरोलिया, सचिन कासलीवाल, आशीष जैन, उमेश चौहान, गोविंद प्रजापत, शादाब अंसारी, राहुल यादव, संतोष कृष्णानी, राहुल सिंह राठौर, विश्व विनायक सिंगर सहित सैकड़ों पत्रकार उपस्थित थे। महाकाल मंदिर के सामने कुछ जो किन्नरों के द्वारा कुछ कार्यक्रम हुआ है, एक हमारे पत्रकार साथी के साथ हमने दुर्व्यवहार कर मारपीट की है, उसके संदर्भ में एक कार्रवाई का है, क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी एक प्रकरण पंजीकृत कर चुके हैं। आए दिन जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसमें श्रद्धालु जो आम जो श्रद्धालु हैं उनके साथ भी इस तरह की घटनाक्रम की बात आ रही है सामने। हम इसमें मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर और जिला प्रशासन में कलेक्टर साहब से मिलकर एक निश्चित कार्य योजना बनाकर इस न्यूसेंस को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। पत्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शकील खान केवल कवरेज के लिए गए थे महाकाल पर। वहाँ कुछ भीख मांगने वाले श्रद्धालुओं को परेशान करने वाले किन्नरों ने अभद्रता की और उनके साथ बुरी तरह मारपीट की, और ऐसी बातें शिकायतें सामने आई कि इन लोगों ने महाकाल क्षेत्र में एक आतंक मचा रखा। बाहर से हमारे यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनसे पैसे छीनना, पैसे नहीं देने पर डराना, धमकाना, वसूली करना, मारपीट करना, इस तरह की शिकायतें आई थी। हमने इसका FIR कल महाकाल थाने में दर्ज कराई है। आज SP महोदय सत्येंद्र शुक्ला जी से भी मुलाकात की हमने और इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग प्रेस पत्रकारों ने की। एक हमारे मीडियाकर्मी साथी हैं शकील भाई, कल उनके साथ मारपीट की घटना कुछ किन्नरों ने की थी। इस घटना को लेकर हम पुलिस अधीक्षक जी से मिले हैं और हमने रासुका की कार्रवाई की मांग की है कि उन किन्नरों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की जाए। हमें पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि ठोस कार्रवाई उन किन्नरों के विरुद्ध की जाएगी। देखिए, कल जिस प्रकार की घटना हमारे शकील भाई के साथ हुई है, वो अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए महाकाल मंदिर गए हुए थे। वहाँ किन्नरों की अवैध वसूली के चलते उन लोगों ने उस पर हमला किया और फिर मारपीट की। इसका लिए हमने प्रकरण तो दर्ज करा दिया था, मगर आज हमने अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखी है कि जिस प्रकार किन्नर अवैध वसूली कर रहे हैं महाकाल मंदिर या दीगर मंदिरों में, वो रुकना चाहिए। साथ ही इन किन्नरों का आपराधिक रिकॉर्ड जो पुराने हैं उसके आधार पर इन पर राशि की कार्रवाई हो और इस प्रकार की नुशेस वहाँ महाकाल मंदिर क्षेत्र में बंद हो, ये हमने मांग की है।